प्रियांश विश्वकर्मा जो कि वेदिका ठाकुर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बट मुझे 2 बजे करीब मुझे फ़ोन आया कि वेदिका ठाकुर की तबीयत ख़राब है। जब मैं वहाँ पहुँची तब उन्होंने मुझे बताया कि उसे गोली लग गई है जो कि खुद वेदिका ठाकुर से चली थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और फिर उसके बाद से फिर तभी से हम लोग उनको हॉस्पिटल और MRI कराने के लिए लेकर गए। फिर वहाँ से हम यहाँ पर हॉस्पिटल, जब मैंने घर वालों को कॉल किया उसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे सब मतलब पेशेंट को और सब लोग यहाँ। क्या वजह सामने आई? वजह तो कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था कि कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं हुआ है। वो शायद बीजेपी नेता है और तुम मैं नहीं जानती, बाकी वेदिका ठाकुर के फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ तो नहीं आया। किसकी थी, पता चला क्या? ये मुझे नहीं पता। कितने बजे गोली चली आपको? कितना कम नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है। जब गोली उसको लग गई थी उसके बाद, जब मुझे उसके बाद फ़ोन आया था कि वेदिका की तबीयत ख़राब हो गई, आप आ जाओ। क्या करते हैं जी वेदिका? वो अभी MBA स्टूडेंट है। आपका नाम? भुवनेश्वरी। कहाँ पे लगी है गोली? गोली उसको यहाँ पे अंडर आर्म्स के नीचे लगी। कहाँ है वेदिका ठाकुर, कहाँ रहती है? ये नेपर टाउन में रहती है। आपकी कौन है? मैं उसकी मौसी लगती हूँ। नाम? आपका नाम बताएं। भुवनेश्वरी ठाकुर। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत जो धनवंतरी नगर चौकी है वहाँ पर प्रियांश विश्वकर्मा है, उनके ऑफिस में एक गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें एक लड़की है जो घायल हो गई है, जिसे गोली लगी है और वो अभी मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है क्योंकि लड़की अभी OT में एडमिट है, तो उसके बयान नहीं हो पाए हैं। एक्चुअल में क्या घटना हुई थी वो जाँच के बाद पता चल पाएगा। प्रियांश विश्वकर्मा नाम है व्यक्ति का, अभी वो भी फरार है, अभी हम उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं क्या करते हैं और क्यों घटना हुई उसी पे अभी जांच चल रही है। या अभी कुछ भी नहीं पता है, जो जिस व्यक्ति से घटना हुई है रिवॉल्वर भी गायब है और इनफैक्ट वहाँ का CCTV कैमरे का फुटेज वगैरह भी वो लेके चला गया है, तो अभी हम यही लोग प्रयास कर रहे हैं, जाँच चल रही है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैम लड़की का नाम? लड़की का नाम वेदिका है और ये वहीं संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहते हैं।